आज मैं आपको यूज ऑफ हैज, हैव और हैड के बारे में बताऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बच्चों को यूज ऑफ हैज, हैव और हैड इन तीनों में अंतर समझाने के लिए और ये कहाँ पर यूज होते हैं, तो आपको सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाना पड़ेगा। जैसे कि मेरे पास एक गुड़िया है, आई हैव अ डॉल। तो बच्चों को ये बताना है कि हैव और हैज हम किस लिए लगाते हैं, कि जब हम किसी को ये बताते हैं कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है या किसी और के पास ये ऑब्जेक्ट है, तो उस चीज के लिए हम हैज, हैव और हैड लगाते हैं। अब बात आती है कि हैज, हैव और हैड ये तीनों लगते कहाँ पर हैं और कैसे कैसे हम इन्हें यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हैड होता है वो आपका पास्ट टेंस में यूज होता है, सिंगुलर और प्लूरल में यूज करते हैं इसको। बट अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये थर्ड स्टैंडर्ड से बताया जाता है, अभी हम फर्स्ट और सेकेंड क्लास के लिए ही डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ। तो हैज आता है सबसे पहले, तो हैज प्रेजेंट टेंस में यूज होता है और सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन में यूज होता है। जैसे कि मैंने चार्ट में पूरा क्लियरली दिखाया हुआ है, प्रेजेंट टेंस, सिंगुलर और नाउन प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ही, शी, इट या फिर कोई नाउन जैसे कोई नेम, नेम, पर्सन, प्लेस कुछ भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल नेम लेके दिया है। उसके बाद हैव, हैव हमारा कहाँ पे यूज होता है, प्रेजेंट टेंस होता है, सिंगुलर प्लस प्लूरल, सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लूरल में भी यूज होता है। सिंगुलर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा वर्ड है आई, आई हमारा सिंगुलर है और वो हमारा किसमें यूज होता है, हैव के साथ लगता है। तो आई, वी, यू, दे और बाकी नेम्स, जैसे दो नाम हम एक साथ बोल रहे हैं, राम एंड श्याम, तो इस तरीके से यहाँ पे नेम्स। बच्चों को और आसान तरीके से समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है जिसमें यहाँ पे मैंने क्या किया है, नाउन और प्रोनाउन लिख दिए हैं और जिनके साथ हैव यूज होता है और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया है। उसके बाद ऐसे ही यहाँ पे भी मैंने ही, शी, इट, राम इस तरह से लिख दिया है और यहाँ पे फिर से यहाँ पे हैज और ऑब्जेक्ट लिख दिया है। तो इससे क्या होगा, बच्चे क्या करेंगे, इसको इस वर्ड के साथ जोड़ेंगे और फिर पूरा एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप उसको पहले एक एग्जांपल देके समझा सकते हैं और उसके बाद फिर वो खुद भी उस चीज को प्रैक्टिस में कर सकता है। जैसे सबसे पहले आता है आई, आई के साथ हम सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है जॉइन द गिवन सेंटेंसेस। तो आई हैव पेंस, सेंटेंस बन गया कंप्लीट। उसके बाद यू के साथ जोड़ेंगे इसको, यू have pens. Next, we have pens. They have pens. Next, Sita and Gita. यहाँ पे पूरा है ये एक साथ लिया जाएगा क्योंकि ये मैंने पहले भी बताया था कि names के साथ हम ऐसे use करते हैं। सीता एंड गीता हैव पेंस। तो ये सारे सेंटेंस किसके हो गए, हैव के। अब हम बात करते हैं हैज की। ही हैज पेंसिल्स। नेक्स्ट, शी हैज, शी हैज पेंसिल्स। अब यहाँ पर आता है इट, इट के साथ हम हैज पेंसिल्स यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारा नॉन लिविंग थिंग और एनिमल होता है, बट हम इट भी यूज करते हैं। तो बट इस सेंटेंस के साथ मैं मैच नहीं करूंगी, मैंने एक अलग से वर्ड लिख दिया है इसके लिए। इट हैज टेल, इट हैज अ टेल। उसके बाद राम, राम हैज पेंसिल्स। तो आप बच्चों को इस तरीके से प्रैक्टिस करा सकते हैं।
एक तरफ हैव वाले सेंटेंसेस हो गए, दूसरी तरफ हैज वाले। तो ये बच्चों को क्या होगा, समझ में भी आएगा और सेंटेंस बनाना भी सीखेगा। उसके बाद सेंटेंस कंप्लीट हो जाए जब, तो बच्चों को आप मिक्स सेंटेंसेस दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे चूज द सुटेबल वर्ड फॉर द सेंटेंसेस, यहाँ पे क्या किया है, हैज और हैव। बच्चा क्या करेगा, इन दोनों में से सेलेक्ट करेगा कि हमें कौन सा सही वर्ड यहाँ पर फिल करना है। जैसे शी डैश ए डॉल, तो शी के साथ बच्चा सीख चुका है क्या लगेगा, तो शी हैज ए डॉल। उसके बाद ही डैश ए नोटबुक, हैज या हैव, हैज। आई डैश ए कार, आई हैव ए कार। इट, इट के साथ जैसे मैंने बताया था एनिमल है, तो इट हैज टू लेग्स। वी डैश हैज हैव पेन एंड पेंसिल, वी हैव हैज हैव। इस तरीके से आप करा सकते हैं। यू डैश ए मोटा कार, यू हैव ए मोटा कार। राम डैश ए वाइट शर्ट, राम हैज ए वाइट शर्ट। लास्ट दे डैश हैज हैव मच मनी, दे हैव मच मनी। तो इस तरीके से बच्चों को आप मिक्स सेंटेंसेस दे सकते हैं, हैज और हैव में आसानी से वो अंतर समझ जाएगा। तो इसी तरीके से बच्चों को पहले हैज के सेंटेंस दीजिए, फिर हैव वाले दीजिए, और उसके बाद आप मिक्स करके दीजिए, तो बच्चों को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।